नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी कैसे लगाई जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है और इसके में कब कब खाद वगैरह देनी चाहिए, निराई गुड़ाई कब होनी चाहिए, उसके बारे में सारी बात हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभी जो गर्मी का टाइम चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में हमें सबसे पहले अपनी जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, धूप लगवा लेनी चाहिए। हफ्ता से 10 दिन तक उसको पूरी जो तेज़ गर्मी है उसमें हमारी मिट्टी को छत पे फैला देना चाहिए। या अगर आपका पास आप गार्डन में लगाना चाह रहे हो तो गार्डन की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक जितने दिन आप धूप लगवाओगे उतने ही आपकी मिट्टी के जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं या भूमि जनित जो रोग हैं वो सब बहुत कम हो जाएंगे या ना के बराबर रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो कहते थे वो यही सब यही बोलते थे कि जितनी धरती तपेगी उतनी ही निपजेगी। इसका मतलब ये कि भाई धरती जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतना ही ज़्यादा उपज हमें देगी। क्योंकि जो गर्मी है उसका एक कारण है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने का रीज़न यही होता है कि जितने भी हमारे ज़मीन में जो कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, फंगस से संबंधित रोग हैं, वो सब के सब इस मौसम में आके ख़त्म हो जाते हैं वो सारे कीटाणु। इसीलिए पहले ज़मीनों को खाली छोड़ दिया करते थे मई जून के मौसम में, बारिशें आने के टाइम ही फसल लगाया करते थे। खरीफ और रबी की दो ही फसलें होती थी। आजकल तो ये हाइब्रिड सीड आ गए हैं, तीन फसलें ले रहे हैं, चार फसलें ले रहे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कौन सी फसल कब लगा रहे हैं कब नहीं लगा रहे हैं। उनसे इसी वजह से बहुत ज़्यादा रोग आने लगे हैं फसलों में, क्योंकि एक तो मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा आगे पीछे की फसलें लगा रहे हैं और मजबूरी भी है ये टाइम वक्त के साथ साथ, क्योंकि दो पैसे कमाने के लिए आदमी सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हल्दी की कर रहे हैं। ये काली हल्दी है, इसको मैंने एक हफ्ता पहले अपने जो अखबार होता है अखबार के अंदर लपेट के छोड़ दिया था और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था। ये देखिए इसमें सब में स्प्राउट्स निकल गए हैं, ये जर्मिनेट हो गई अच्छी तरह से और अब ये लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरह दूसरी हल्दी है, उसको भी मैंने अखबार के अंदर लपेट के छोड़ दिया था, आमा हल्दी को, वो भी बिल्कुल स्प्राउट उसके निकले हुए हैं और वो लगाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अभी हम हल्दी कैसे लगाते हैं, उसकी गांठें कितने कितने फैसले पे लगानी है, वो सब चीज़ें हम आपको बताते हैं। आइए उसके बारे में अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारी आमा हल्दी है जो कि लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो इसके अंदर पूरे स्प्राउट निकले हुए हैं और ये जो फिंगर्स अलग अलग दिख रही हैं हम इन सबको तोड़ लेंगे, पहले अलग अलग कर लेंगे ताकि इसको अलग अलग लगाया जा सके। इस तरह से हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए अंदर से बिल्कुल फ्रेश है। ये सारी की सारी एक हफ्ता पहले मैंने अखबार में डाल के भिगो के थोड़ा सा इस अखबार के ऊपर पानी छिड़कता रहता था बाहर से, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और ये जर्मिनेट हो जाए जल्दी से। इसी तरह ये हमारी काली हल्दी है जो कि ये बिल्कुल फुटाव लेके तैयार है। अभी हम इसको लगाएंगे। अभी हम हल्दी लगाना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये मैंने पूरे मेरे ड्रम तैयार कर लिए मिट्टी के पहले ही, उसके बाद हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये हम 1.5 से 2 इंच गहराई में लगा देंगे, इसको ज़मीन में दबा देंगे और उसके ऊपर मिट्टी रख देंगे। इसी तरह से हम इसको लगभग 6-6 इंच के गैप पर लगाएंगे ताकि जो फुटाव आएंगे हमारी वो इसमें हल्दी में वो अच्छी तरह से पूरा गैप मिलेगा उनको और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उपज हमें मिलेगी। इसी तरह से मैं इसमें सिर्फ 3 लाइन लगाऊंगा 6-6 इंच के गैप पे। आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड में इसके फुटाव आए हुए उसको उस सिरे को ऊपर की तरफ रखें।
उसके बाद इसको बिल्कुल समतल कर दें और इसमें एक बार अच्छी तरह से पानी दे देंगे हम, ताकि इसके अंदर पूरी नमी बनी रहे। उसके बाद ये जल्दी स्प्राउट हो जाएगी। अगर आपको ये लगे कि भाई मिट्टी इसके सूखने लगे तो आप हल्का सा फुहारे से पानी दे सकते हो। अगर नमी प्रॉपर बनी रहेगी तो इसमें फुटाव जल्दी आ जाएगा। इसी तरह अब हम अपनी ये दूसरी हल्दी लगाएंगे, आमा हल्दी। ये सिंगल सिंगल फिंगर हम लगाएंगे ताकि अच्छा उत्पादन मिले हमें। अगर हम ज़्यादा डंडियाँ दो एक दो दो तीन तीन इकट्ठे लगा देंगे तो उसमें फुटाव ज़्यादा आ जाएंगे और हल्दी को बैठने के लिए जगह कम मिलेगी। इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि 6-6 इंच के गैप पे हम इनको लगाएं। हल्दी लगाते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रख लें कि मिट्टी में कोई गांठ वगैरह हो तो आप उसको निकाल दें। अगर कोई गांठ वगैरह इसमें होगी तो वो आपकी जो राइजोम्स बनेंगे उसको दिक्कत करेगी और पौधा अच्छी तरह फुटाव नहीं ले पाएगा। दोस्तों आज 31 मई है, ये मैं लगा रहा हूँ और ये देखते हैं कितने दिन में फुटाव ले लेगी, वो मैं आपको अपडेट करूँगा मैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। हल्दी मई जून में लगाई जाती है और ये दिसंबर में जाके हार्वेस्टिंग करने के लिए लायक हो जाती है। जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे पहले इसके पत्ते बिल्कुल सूख जाने चाहिए और जब पत्ते पीले पड़ने लग जाएं तो उस टाइम पानी देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लगातार उसको पानी देते रहे तो गांठें जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, गलने लग जाएंगी और हमारी पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखना है कि जब आपकी हल्दी हार्वेस्टिंग करने लायक हो जाए, पत्ते पीले होने लग जाएँ या सूखने लग जाएँ, उस टाइम उसमें पानी देना बंद कर देना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अभी हमने अपने सारे ड्रमों में हल्दी लगा दी है लेकिन मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बारिश इतनी अच्छी हो गई थी कि सारे के सारे ड्रमों में पूरा पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना मॉइस्चर हो गया है। और आपको एक काम करना है, जब आपकी हल्दी जर्मिनेट हो जाए डेढ़ से दो महीने की हो जाए, 45 से 50 दिन के आसपास जब ये हो जाए, तो इसके अंदर आपको थोड़ी सी खाद की एक टॉप लेयर करनी है, 1 से 1.5 इंच की लेयर आपको खाद के लगा देनी है ताकि आपके पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके और उसके बाद आपके पौधे स्पीड पकड़ जाएंगे दोबारा से, क्योंकि ग्रोथ के लिए बीच में आपको देना ही देना पड़ेगा कुछ तो खाद वगैरह। और आप चाहो तो उसके अंदर अपने जो होममेड फर्टिलाइज़र है उसका स्प्रे भी कर सकते हो, वो भी आपके प्लांट को बूस्ट करेगा, क्योंकि जो आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हो उसके अंदर जो लिक्विड निकलता है वो आप अपने पौधों के ऊपर छिड़क सकते हो, जड़ों में भी दे सकते हो, वो सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छी हल्दी मिलेगी आपके गार्डन से और उसका आप अपने घर में पूरा साल तक यूज़ कर सकते हो। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हो, आपकी जितनी मेंबर हैं उसी हिसाब से आप ज़्यादा बैरल यूज़ कर सकते हो या कम यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।